सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आज का कंटेंट शुरू करने से पहले हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जिन वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब ईश्वर ने चाहा तो कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले टॉपिक पर ही आते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो डाटा लोकलाइजेशन टॉपिक लिया है, यानी कि हिंदी में कहें तो डाटा स्थानीयकरण। चर्चा में क्यों आया है ये जानेंगे। डाटा लोकलाइजेशन क्या है भारत के संदर्भ में, इसके विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा लोकलाइजेशन चर्चा में क्यों आया। डाटा लोकलाइजेशन चर्चा में इसलिए आया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने ई वाणिज्य और डेटा स्थानीयकरण यानी कि डेटा लोकलाइजेशन के विषय पर बिजनेस वर्ल्ड के जो भी हितधारक हैं यानी कि बेनिफिशियरी हैं उनको विचार विमर्श के लिए इनवाइट किया। जो बैठक आयोजित हुई उसमें जो विषय थे वो ये थे कि सबसे पहला, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत के लिए अवसर, ई वाणिज्य के आने से भारतीय जीडीपी में होने वाला मूल्य संवर्धन यानी कि बढ़ोतरी, निजता सुरक्षा निरापदता यानी कि इम्यूनिटी का मीन्स ये हुआ यहाँ पर निरापदता से संबंधित जो है वो जैसे खुद को बचा हुआ महसूस करना यानी कि सुरक्षित भाव का मीनिंग है यहाँ पर, और स्वतंत्र चयन, इन चार दृष्टिकोणों से डेटा फ्लो को समझना। अगला बिंदु था डेटा का आदान प्रदान करना, सीमा पर डेटा प्रवाह से होने वाले लाभ और लागत और डेटा के प्रयोग पर नजर रखने के लिए साधन। ये मुख्य बिंदु थे जो बैठक में चर्चा के लिए बनाए गए या जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई। जान ले डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है। डेटा लोकलाइजेशन का मीनिंग है कि डेटा को उस उपकरण में जमा करना यानी कि उस डिवाइस में जमा किया जाना जो उस देश की सीमाओं के अंदर फिजिकल फॉर्म में विद्यमान है, जहां डेटा क्रिएट हुआ है। यानी कि जहां डेटा क्रिएशन हुआ है उसकी जितनी फिजिकल बाउंड्रीज हैं यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही डेटा को रखना, वही हुआ उसका स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन। कुछ देशों में डिजिटल डेटा के मुक्त प्रवाह यानी कि फ्री फ्लो पर पाबंदी है, विशेषकर वे डाटा जिनके अंतर्गत जो सरकार की गतिविधियां हैं उन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कुछ डेटा के फ्री फ्लो पर कुछ देशों में पाबंदी की गई है। अब जाने अगली बात, यानी कि जो पाबंदियां हैं वो क्यों पाबंदियां की गई हैं, क्या कारण है जो कुछ देशों में उनसे संबंधित पाबंदी है। तो सबसे पहली बात, अगर किसी चीज को बैन किया गया है तो कहीं ना कहीं नागरिक सुरक्षा की बात आती है। तो नागरिक के डेटा को सुरक्षित करना पहला कारण था जिस वजह से वहां पर बैन किया गया है फ्री फ्लो। डेटा की निजता की रक्षा करना यानी कि जो डेटा प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करना, डेटा की संप्रभुता को बनाए रखना, सोवरेनिटी को मेंटेन करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर फ्री डेटा फ्लो होता है तो उस वजह से जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं बिना किसी परमिशन के वहां पर क्रिएट हो जाती हैं, जिससे नुकसान होता है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत सरकार भारत को डिजिटल वर्ल्ड बनाना चाहती है और उस डिजिटल वर्ल्ड का एक ग्लोबल हब वो बनाना चाहती है, ऐसा भारत सरकार का उद्देश्य है इस संदर्भ में, जिसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र यानी कि इंटरनेशनल डेटा सेंटर की स्थापना करना इसके अंतर्गत अपेक्षित है। तकनीकी कंपनियों के पास प्रचुर मात्रा में डेटा जमा हो जाता है, अब वो क्या करती है, इनका उपभोक्ता के डेटा पर पूरे तरीके से नियंत्रण होता ही है। इससे उनको ये लाभ होता है कि वे भारतीय उपभोक्ताओं के डेटा को स्वतंत्र रूप से प्रोसेस कर पाते हैं और देश के बाहर उसे मोनेटाइज कर पाते हैं, और फिर उसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट होता है वो ये फाइनेंशियल बेनिफिट ले लेते हैं, जबकि इसके बारे में उपभोक्ता को पता भी नहीं होता। तो एक विशेष कारण ये भी है जिस वजह से भारत सरकार डेटा लोकलाइजेशन चाहती है और इस जो प्रयासरत है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि डेटा लोकलाइजेशन से संदर्भित जो बैठक हुई थी उन बिंदुओं पर चर्चा करके उसे पूरे तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो इम्पॉर्टेंट है डेटा लोकलाइजेशन। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और
कंटिन्यू रहेंगे, यही अपेक्षा करते हैं। अगर परिस्थितियां विषम नहीं रहीं तो जैसा कंटिन्यू फ्लो पहले बना हुआ था 6-7 दिन पहले, ऐसा ही कंटिन्यू फ्लो रहेगा। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ और आप लगातार साथ बने रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ये पूरे तरीके से हमें विश्वास है। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। एक बार फिर धन्यवाद।